तो गाइस आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे दोस्त अच्छे होंगे। तो ये पैकेट आया है मुझे अमेज़न की तरफ से, मतलब उनकी तरफ से नहीं बट कि मैंने बाय किया था, ख़रीदा था पार्सल। तो फाइनली क्या खास है इसमें वो बताने का प्रयास करूँगा। खोलते हैं इसको। ये क्या भेजा है उन्होंने? टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। वाह क्या लाइन है, टुडे ए लीडर टुमारो ए, नहीं टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर, यानी जो आज पढ़ोगे तो कल वो लीडर भी बन सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है और बाकी छोटा सा ये पोस्टर है। तो एक्चुअली गाइस ये एक किताब है जिसे मैंने अमेज़न से परचेज़ किया और आज ये फाइनली मुझे जो डिलीवर भी हो चुकी है किताब मेरी। तो इस किताब की क्यों ज़रूरत पड़ी मेरे को, आप सबको बताना चाहता हूँ। पिछले 2 सालों से आप सब जानते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोग, मेरी द्वारा जानकारियाँ आप लोग सुनते हैं पढ़ते हैं और कई लोगों से मेरी मुलाकात भी हो जाती है। और आमतौर पर जो मेरा प्रोफेशन है वो है टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में। और बेसिकली मैं कटरा में ही होता हूँ, तो वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी तमाम छोटी मोटी जानकारियाँ भी देने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ साथ शुरुआती दिनों में मैंने एक YouTube, Facebook और Instagram पेज बनाया था जिसका नाम था डेली यात्रा ब्लॉग, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी घूमता था जाता था तो छोटी छोटी वीडियो डालता था। उन छोटी छोटी वीडियोस से लोग जुड़ने शुरू हो चुके और धीरे करके 3-4 हज़ार लोग जो हैं YouTube पर जुड़ गए हैं। तो रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि एक कोई क्लाइंट्स साउथ अफ्रीका से कटरा वैष्णो देवी आए दर्शन करने। एक्चुअल में वो किसी एक कटरा के होटल में रुके थे, तो मुझे उनके साथ जो है वैष्णो देवी यात्रा करने का सौभाग्य मिला। और साथ में मुझे ऐसी चीज़ें, जो ऐसे सवाल उन्होंने पूछे जिससे मुझे ये लगने लगा कि मेरी जो ये पुस्तक है अगर मैं पढ़ी होती तो मैं उन सवालों के जवाब दे देता था। मगर उस समय जो है हैज़ ए टूरिस्ट गाइड के लिए जितनी ज़्यादा आपन चुटी होती हैं फ्रेंड्स, उतने ही ज़्यादा जो है चैलेंज होते हैं। और एक छोटी सी, मतलब कि एक जॉब कह सकता हूँ या फिर एक काम कह सकता हूँ या फिर मेरा प्रोफेशनल भी टूरिस्ट गाइड का बनने धीरे धीरे शुरू हो चुका है, क्योंकि मेनली जो है आउट ऑफ स्टेट के लोकल कटरा के ट्रैवल ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंट प्लस होटल जो ओनर्स हैं वो मेरे को, मतलब कि हैज़ ए किसी की अगर कोई जैसे ग्रुप आ जाते हैं, कोई टूरिस्ट आ जाता है जो फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी विजिट कर रहा है या फिर शिवकुड़ी जा रहा है, पत्नीटॉप जा रहा है या कहीं भी कश्मीर जा रहा है, तो उसको हैज़ एक मतलब कि चाहिए एक्सप्लोर करने वाला इंसान जो उसके साथ बिल्कुल सही अथेंटिक एंड ह्यूनिस्टी से काम करे। तो मैंने पिछले कई सालों से मतलब कि सोच रहा था कि मैं इस काम को करूं या फिर गवर्नमेंट जॉब करूं। उसके लिए मैंने बहुत सारी 1-2 साल बहुत स्टडी की है, बट हमारे JKSSB ने सारे जूत को धोखा दिया और मुझे विश्वास ही उठ गया। और फिर मैंने लास्ट 2 साल से मैंने सोचा कि ना क्यों ना अपने रियासी को टूरिज़्म के लिहाज से एक्सप्लोर करूं। और रियलिटी वैष्णो देवी यात्रा भी करता गया, हर जगह गया। शुरू में 1-2 साल में मेरी कोई ज़्यादा इनकम नहीं थी, बस ये कि मेरे खर्चे पूरे होते थे सिर्फ आने जाने के। बट अब मुझे लगा कि कुछ जो कटरा के ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने एक मतलब कि मेथड्स बताए मेरे को किस तरह आप अर्निंग कर सकते हो, किस तरह आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, किस तरह खुद मोटिवेट रह सकते हो। और इस तरह करते करते मैं ब्लॉगिंग के साथ मेरा जो काम है ये भी आगे चलना शुरू हो गया। तो फाइनली जो साउथ अफ्रीका से क्लाइंट थे लास्ट वीक मेरे साथ जो है वैष्णो देवी यात्रा की थी, साथ में मैंने कटरा के आसपास इतने भी लोकल साइट सीन थे वो एक्सप्लोर किए थे। लेकिन गाइस की वो साउथ अफ्रीका से थे और वो एक मतलब कि इंडियन टूरिज़्म के को जानना चाहते थे। अब मेरी सोच ये थी कि मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही टूरिस्ट गाइड बनना चाहता था, बट उनके द्वारा जो पूछे गए सवाल थे ना, तो मेरे को ये लगा कि नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं बल्कि स्टेट लेवल बल्कि पूरे नॉर्थ लेवल पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने एक फर्स्ट यानी बुक मंगाई है जिसका नाम जो है इंडियन द जर्नी योर ट्रैवल गाइड टू इंडिया। और ये बहुत प्यारी बुक है और इस बुक के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सप्लोर करने की। और इस बुक से काफ़ी मुझे मोटिवेट खुद भी होगा और आने वाले मेरे YouTube पर देखने वाले जितने भी लोग होंगे उनको भी ये छोटी मोटी जानकारियाँ देता रहूँगा जो फ़िलहाल नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग आएंगे टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का प्रयास रहेगा हमारे जितने रियासी डिस्ट्रिक्ट में खासकर।
तो ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक रहेगी मेरे लिए भी, और जितने भी, अभी मैं इस पूरी बुक को पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद जो भी, जितना आप रेगुलर मुझे सवाल पूछते हो, उन सवालों के जो जवाब हैं मैं देने का प्रयास करता हूँ वीडियोस के माध्यम से ही। और आने वाले दिनों में वो कहते हैं ना, टुडे ही लीडर टुमारो, टुडे जो आज रीडर है वो कल को लीडर भी बन सकता है, वही इस छोटी सी किताब में लाइन छिपी हैं। और इसके आथर भी बहुत अच्छे आथर हैं यहाँ पर, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को घुमा हुआ है, उस आथर ने ये इस किताब को लिखा है, पूरे इंडिया पे लिखा है। और धीरे धीरे मैं फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ तो मैं नॉर्थ इंडिया को ही कवर करूँगा, देन फिर इस तरह मैं हर जगह जाने का भी प्रयास करूँगा, पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग मेरे साथ आएंगे, वैसे वैसे उनके रिव्यू फीडबैक भी लेने का मैं प्रयास करूँगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो बस इतनी थी। ये मतलब आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाले जिस तरह मेरा प्रोफेशन बनता जा रहा है और आप लोग सपोर्ट करते रहे, जो आप लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। तो गाइज, कीप लाइक शेयर एंड सपोर्ट। धन्यवाद। जय माता दी।